ख्वातीन हज़रात, आज की इस उर्दू बैठक की महफ़िल यादगार गालिब में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी उर्दू बैठक की महफ़िलें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस दर्जा पॉपुलर हैं कि गुज़श्ता जो हमारी प्रोग्राम्स थे वो हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में देखे गए। पाकिस्तान में यूट्यूब जो है वो बैन है और फेसबुक के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम्स वहाँ पर देखे जाते हैं। मज़ीद बात करने से पहले शुरुआत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कौरा फैमिली का, सरदार चन्नन सिंह जी का जो साहिब खाना हैं और जिनका ताल्लुक हमारे बुज़ुर्गों से है और जो उर्दू ना सिर्फ ये कि लिख सकते हैं बोल सकते हैं बल्कि हमारे बड़े पुराने गहरे दोस्त हैं और उन्होंने अपने इस घर को हमारे लिए फराहम किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस हाउस फॉर अस। यादगार गालिब की अहमियत, इसके बारे में बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। सबसे पहले जो आज की हमारी गुलुकारा हैं जो कि हमेशा से हमारे साथ हैं और जो गालिब की गज़लें सुनाएंगी, जिसके लिए आप सब बेताब हैं देखने के लिए उनको, तो मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर मोना से कि वो तशरीफ़ लाएं, डॉक्टर मोना दावर, और जब वो तशरीफ़ लाएं तो उनका तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर मोना दावर आइए। थैंक यू सो वेरी मच। तहरीर
जहाँ तेरा नक्शे कदम देख
Hazaron khwahishein
रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। बनी बात जहाँ बात बनी
बन जाए कुछ ऐसी के बिना न बने के बिना हो जाए।